हम लोग चढ़ रहे हैं, बच्चे हैं हम लोग, हमारे ऊपर दूसरे बच्चे अटैक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको जेनियस को हमने इलेक्ट किया है और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा ये दिख रहा है। प्लानिंग करके जामिया पता नहीं कहां कहां से स्टूडेंट लेके मुंह बांध के रॉड लेके हाथ आंखी लेके स्कूल एरिया से घेरते घेरते हमारे जो नेशनलिस्ट स्टूडेंट रहते हैं जानबूझ के, मतलब एक दो जो हॉस्टल्स हैं उसको टारगेट किए, उसमें घुसे मारे। बहुत सारे एवीपी के कार्यकर्ता अंदर घायल भी हैं सर, और रोज उनको घेर के पत्थर चलाए जा रहे हैं 300 लोगों को पूरा कैंपस सील करने के बाद। जेएनयू कैंपस में कल रात हुई गुंडागर्दी, अराजकता और उसके बाद अब भी वहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जब वहां पर कुछ नकाबपोश कई संख्या में, 7 से 8 की संख्या में वहां पर पहुंचे और उन्होंने हाथों में जो लाठी रॉड डंडे लिए हुए थे ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। ऐसे में कई तरह के सवाल भी अब उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे और आखिर किसकी शह पर ये यहां पहुंचे, कैसे दाखिल हुए, लोगों पर छात्रों पर इन्होंने हमला क्यों किया, यूनिवर्सिटी को नुकसान क्यों पहुंचाया। आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। हर कोई इस मुद्दे को बनाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले पर सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही है, तो वहीं लेफ्ट का ये कहना है कि यहां राइट विंग के लोगों ने, साथ ही बाहरी लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होकर इस गुंडागर्दी को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा अब जेएनयू में हुई इस घटना का विरोध देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। कई जगहों पर, मुंबई से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे गेटवे ऑफ इंडिया पर कल शाम से ही जो छात्र संगठन हैं और साथ ही दूसरे दलों से, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक वो प्रोटेस्ट वहां पर भी हो रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस, जो कि कल मोर्चा संभालने जेएनयू पहुंची थी, फ्लैग मार्च किया था रात 2 बजे तक, पुलिस प्रशासन ने वहां पर स्थिति को कंट्रोल किया और अब इस मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़ी हुई कई शिकायतें उन्हें मिली हैं और अब एक टीम का गठन कर इन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग नकाब में थे, अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ था और लाठी डंडे लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे, कि आखिर ये लोग हैं कौन और एकाएक इस हमले के बाद वो कहां गायब हो गए। चलिए अब हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सचिन, जो कि इस वक्त जेएनयू कैंपस के बाहर मौजूद हैं, वहीं चलते हैं सीधे। सचिन, ठीक है शिरीन, और इस वक्त लगभग 9 बजे हैं और ठीक हम उसी जगह पर मौजूद हैं। रात भर पूरे देश ने जहां से जो तस्वीरें देखी, जो यूं कहें कि हिंसा की तस्वीरें आई या यूं कहें कि आगजनी की तस्वीरें आई, लेकिन कम से कम हम उस ग्राउंड जीरो पर आकर के ये समझने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा ये पीछे जेएनयू का यही गेट है कि हम यहाँ पर दिखाएं कि सबसे बड़ी बात ये है कि जिस शिक्षण संस्थानों को हम गिनते हैं कि वो सबसे ऊंचे रैंक में आती है, जिन शिक्षण संस्थानों को कहा जाता है कि वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर स्टूडेंट
देश भर से, न केवल देश से बल्कि विदेश से पढ़ने के लिए आते हैं, वो आखिरकार वॉयलेंस, उसमें वॉयलेंस क्यों होती है, स्टॉप वॉयलेंस इन कैंपस, भले वो जादवपुर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आई हूं या फिर कल वो तस्वीरें जिसने न केवल पूरे देश को संसार किया, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ तो वो तस्वीरें कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। थोड़ा सा मैं इस वक्त का जो घटनाक्रम दिखाऊं, कल शाम का थोड़ा सा आपको बात बताते हैं कि कल शाम को 4:30 बजे जिस वक्त कहा गया कि कुछ स्टूडेंट्स यहां पर एंटर हुए, रजिस्ट्रेशन से रोका गया, रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, उसके बाद दो गुटों के बीच हिंसा हुई, कुछ नकाबपोश थे, 20 से 25 उनकी संख्या बताई जा रही थी, उनके पास लाठी थे, डंडे थे, रॉड थे, 20 से ज्यादा छात्र अब भी घायल हैं जो कि एम्स में भर्ती है। उसके बाद प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होता है, मुंबई तक ये प्रदर्शन जाता है, स्टूडेंट्स अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है यहां पर आकर के समझने के लिए कि ज्यादातर छात्र जो है वो अंदर जो है वो पढ़ने का पक्षधर है, 99% छात्र ऐसा होगा जो सिर्फ यही चाहता है कि सिर्फ यहां पर पढ़ाई हो, लेकिन सियासी अड्डा कैसे इस तरह की चीजों को बना दिया जाता है, आखिरकार ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ और अब तक जो है पुलिस ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, ये देखिए। इस वक्त सुबह कल ही ऐसा कहा गया था कि इसी गेट से जो है लगभग 20 से 25 के करीब नकाबपोश जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्हें एबीवीपी कह रही कि लेफ्ट से कुछ लोग थे, लेफ्ट के कुछ कह रहे हैं कि एबीवीपी के कुछ लोग थे, स्टूडेंट्स का अब तक उनकी शिनाख्त हो नहीं पाई है, वो इसी जगह से अंदर गए। लेकिन सवाल यह था कि जब एडमिनिस्ट्रेशन इतना सख्त है, जब यहां पर फीस को लेकर के और जो बाकी विवाद चल रहा था, तो किस तरीके से उनकी एंट्री हो गई, क्या किसी ने आई कार्ड नहीं चेक किया, उस वक्त प्रशासन कहां था। अब देखिए यहां पर हम ये देखिए यहां पर लगभग 4 से 5 लोग नजर आ रहे हैं, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, एक एक आई कार्ड यहां पर जो है वो चेक किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को यहां पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये देखिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए गाड़ी को अब रोका जा रहा है, ये आप पीछे देख सकते हैं, हर एक की चेकिंग की जा रही है, आई कार्ड बकायदा चेक किया जा रहा है, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही उठा कि आई कार्ड क्या कल नहीं चेक किया गया था, उस वक्त जो है अंदर छात्र किस तरीके से घुस गए, आई कार्ड क्यों नहीं चेक किए गए थे। खैर इस वक्त ये पीछे देखिए दिल्ली पुलिस की जो है काफी बड़ी यहाँ पर तैनाती है, क्योंकि रात को 2 बजे तक यहां पर अंदर फ्लैग मार्च हुआ है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को फिलहाल तो एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तो यह कि गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रार को और प्रॉक्टर को दोनों को समन किया है, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है, पुलिस जल्द ही FIR इसमें दर्ज करेगी, लेकिन सब कुछ रहते हुए, सब प्रशासन के मुस्तैदी के इंतजाम होते हुए भी कैसे वॉयलेंस अंदर अलाउ हो जाती है, कैसे जो है कुछ नकाबपोश, जिन्हें सो कॉल्ड कहा जाता है नकाबपोश जो है वो अंदर चले जाते हैं, और न केवल अंदर चले जाते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन कहा जा रहा है कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कि नहीं, सिर्फ एक हमारे हॉस्टल को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये जो मेन रोड, और यहाँ मीडिया का रात भर ये पूरे तरीके से जमावड़ा रहा, और ये वो रोड है जो कि देखिए अंदर की तरफ कैंपस की तरफ जा रही है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को फिलहाल तो अलाउ नहीं किया जा रहा है। एक नजर मैं चाहता हूं कि पूरे घटनाक्रम पर डाल लेते हैं कि आखिरकार कल किस तरीके से क्या क्या हुआ, उसके बाद वापस यहां ग्राउंड जीरो पर लौटते हैं। दिन रविवार, वक्त शाम करीब 4:30 बजे, कई हफ्तों से छात्रों के धरना प्रदर्शन से सुलग रहा JNU कैंपस रविवार की शाम जंग के मैदान में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में लाठी डंडों से लैस नकाबपोश गुंडे कैंपस में घुस आए और हॉस्टल में पहुंचकर छात्र छात्राओं को बेरहमी से पीटा। काफी देर तक ये नकाबपोश गुंडे बेखौफ होकर मारपीट करते रहे। इनके हॉस्टल में घुसते ही चीख पुकार मच गई और कई छात्राओं ने भाग कर जान बचाई। हमलावरों ने कैंपस में मौजूद कारों को भी निशाना बनाया और गर्ल्स हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की। नकाबपोश गुंडों के इस हमले में कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पीछे से हमारे ऊपर 2-3 आईसा के एक्टिविस्ट, 2-3 सफाई के एक्टिविस्ट जो है पीछे से आगे से लाठी मारते हैं, पीछे से पता नहीं कौन रॉड मार के जाता है, हमारा सिर देखिए अभी टाके लग गए हैं, पीछे हमारे पीछे लगा है, पीछे भी लगा, इस तरह देख सकते हैं आप। क्या लगातार हमले हो रहे थे, क्या हुआ शाम को, किस तरीके से वो एक मतलब लड़की छोड़ रहे हैं, लड़कियों को हॉस्टल में घुस जा रहे हैं, तो मतलब स्थिति एकदम अराजकता उतर आए, कुछ तो मतलब एकदम वामपंथी हैं, कुछ नक्सली हैं, कुछ जो है जामिया से आए हैं। डेफिनेटली वो तो वॉर जोन बना हुआ है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, और आज जो कुछ देखा हमने, अब लड़कियों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, और इस टाइप से भी मारा जा रहा है कि
मतलब ये जब कहा जा रहा है कि आप मुंह क्यों बांधे हुए, मुंह खोलिए, तो भी नहीं खोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम तो नहीं खोलेंगे, हम मारेंगे। हमले में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आशी घोष भी बुरी तरह घायल हुई है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का आरोप है कि यह हमला एबीवीपी के लोगों ने किया है और लेफ्ट समर्थक छात्रों को सरेआम धमकाया जा रहा है। I don't know, I've been bleeding. I am not even in a condition to talk. I've been brutally beaten up. I was there with one of my actors. ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं, बच्चे हैं हम लोग, हमारे ऊपर दूसरे बच्चे अटैक कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे क्या बोले हम, ये वो लोग हैं जिनको जेएनयूएससी को हमने इलेक्ट किया है और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा ये दिख रहा है। मनीष भैया, उज्ज्वल भैया, सब कोई अंदर एडमिट है, शेष मणि भैया, गौरव भैया, सबको सब अंदर एडमिट है, सबके हाथ पैर टूटे हुए हैं। दूसरी तरफ एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने ही जेएनयू स्टूडेंट्स पर हमला किया और इस हमले में एबीवीपी के भी कई छात्र जख्मी हुए हैं। हमारे 25 कार्यकर्ता भी ट्रॉमा सेंटर में हैं और 11 कार्यकर्ता अभी तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। एक वीडियो आ रहा है जिसमें नकाब पहन के लोग अंदर जा रहे हैं, हम लोग कौन है? अब वो तो जेएनयूएससी से पूछे, यहाँ के नक्सलियों से पूछे, नकाब पिछले 3 दिनों से बात के वहाँ पे सीआईएस पे कौन खड़ा है, नकाब तो उन्हीं के लोग बात के खड़े हैं। जिस वक्त जेएनयू कैंपस में नकाबपोश गुंडे मारपीट और हिंसा का तांडव कर रहे थे, उस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर भारी तादाद में पुलिस तैनात थी और किसी भी गेट से छात्रों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। खुद पुलिस भी घटना के करीब 2 घंटे बाद कैंपस में दाखिल हुई और बाद में मेन गेट खोलकर छात्रों को अंदर आने की इजाजत दी गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करने वाले नकाबपोश हमलावरों की संख्या 50 से 70 के आसपास बताई जा रही है। खास बात यह है कि हमलावरों में कुछ लड़कियां भी शामिल थी, इन लड़कियों ने भी अपने चेहरे को नकाब से ढक रखे थे। इस हमले में 25 से ज्यादा छात्र जख्मी हुए हैं, घायलों में एक शिक्षक भी शामिल हैं। सभी छात्रों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया। घायल छात्रों को देखने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा समेत कई नेता एम्स पहुंचे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को जब एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाने से रोका गया तो वो बाहर ही धरने पर बैठ गए। फिलहाल यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस कैंपस में फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे मामले में जेएनयू प्रशासन ने बयान जारी कर कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने की बात कबूली है। रजिस्ट्रार ने बयान जारी कर कहा कि छात्रों पर हमला दुखद है, जेएनयू हमेशा से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शन के लिए जाना जाता रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन कैंपस में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामले की शिकायत पुलिस में दे दी गई है। कैंपस से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश भी दिए हैं। जेएनयू हिंसा की जांच ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह करेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी जेएनयू के वाइस चांसलर से मामले की रिपोर्ट मांगी है। वो भारी तत्व कौन थे जिन्होंने छात्रों के ऊपर हमला किया, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने लाठी डंडों से छात्रों के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई। कैंपस में मारपीट और तोड़फोड़ को लेकर जेएनयू के छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार करने के लिए घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के अलावा विपक्ष के कई नेता भी शामिल थे। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। याद पड़ता ना आपको, एक बार याद होगा आपको, लगभग 2 साल पहले के करीब की वो तस्वीरें आई थी जिस वक्त यहीं जेएनयू में प्रदर्शन हुआ था। 2 साल पहले के ऊपर वो तस्वीरें जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह और तमाम चीजें सामने आई थी। उस वक्त जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहीं ना कहीं जेएनयू को हमने देखा था कि अपनी पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनाया था। विचारधारा अलग हो सकती है, पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट या फिर यूं कहें कि कम से कम यहां पर कॉलेज कैंपस को अगर उस वक्त राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया होता, मुझे लगता उस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राजनीति की प्रयोगशाला नहीं अगर बनाया होता तो शायद जो रात की तस्वीरें, जो गुंडागर्दी की और जो आगजनी की तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें शायद नहीं देखी जाती। क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कहा जाता रहा कि नहीं, ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है, कब अगर प्रदर्शन भी हो रहे हैं तो होते रहे।
पिछले दिनों हमने देखा कि भले वो ट्यूशन को लेकर के, ट्यूशन फी को लेकर के और फी हाई को लेकर के जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद भी हमने देखा है कि चीजों को अगर पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता तो शायद स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। गिरिराज सिंह ने क्या कहा इसके ऊपर, आइए एक बार वो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वामपंथी दल के कार्यकर्ता उन लोगों ने जिस ढंग से हंगामा किया और मारपीट की, पता नहीं जेएनयू को क्या बना देना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं वामपंथी छात्र, जेएनयू को ये लोग गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया। सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार है देख नहीं रहे? वहाँ रात में कौन लोग पहुँच गए? जो राजनेता जाकर के वहाँ राजनीति करते हैं, राहुल गांधी से लेकर के और वामपंथी नेताओं, किसका राजनीतिक हित है या फिर किसका राजनीतिक स्वार्थ है जो कहीं ना कहीं यहाँ छात्रों से जुड़ा हुआ है, जो कोई नहीं चाहता कि कम से कम स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से शांत हो या फिर कैंपस में किसी तरीके का, यूं कह सकते हैं कि कैंपस की ये जो आगजनी चल रही है वो खत्म हो, क्योंकि एक विवाद खत्म नहीं होता दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा यही कहना है सीधे तौर पर कि वॉयलेंस जो है उसकी जगह नहीं है कम से कम यहाँ पर स्टूडेंट कैंपसेस के लिए और खासतौर से यूनिवर्सिटीज के लिए। एक बार फिर से मैं पीछे की आपको तस्वीर दिखाऊं, फिर कुछ चश्मदीदों से आपकी बात कराएंगे। अब एहतियात बढ़ता जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर मोबाइल से चेक किया जा रहा है अगर आपके पास आईडी है, स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है, बगैर उसके अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ होते आते भी रात को किस तरीके से यहाँ से 20 से 25 लोग नकाबपोश होते हुए अंदर चले जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, न केवल गुंडागर्दी करते हैं बल्कि 20 से ज्यादा छात्र घायल होते हैं, और उसके बाद पूरे देश में एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को लेकर के राजनीति का, पॉलिटिक्स का भूचाल सा आ जाता है। कुछ चश्मदीदों से बात की रूफी जी ने, वो देखते हैं। कल शाम जब जेएनयू में ये पूरी घटना हुई उस वक्त प्रियंका अंदर मौजूद थी। प्रियंका जेएनयू की स्टूडेंट है। प्रियंका, किस कोर्स में है और कौन से ईयर में है? मैं अभी फर्स्ट ईयर एमफिल में हूँ। क्या हुआ उस वक्त कल शाम? अंदर पता, आई थिंक अभी बाहर के लोग ही थे जो थे, तो वो लोग मारना शुरू किए, फिर भगदड़ मची और स्टोन पेल्टिंग हुआ। टीचर्स वहाँ पे गैदर थे, एक मार्च का कॉल था, कैंपस के अंदर ही मार्च का कॉल था, फिर उसी टाइम स्टोन पेल्टिंग और लाठी से मारा गया, टीचर्स को मारे। फिर हम लोग अपने जो भी फ्रेंड्स थे उस जगह पे उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो बट उनको कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया क्योंकि तब तक वो भीड़ वहाँ पहुँच गई थी। फिर हम लोग भी भागे इधर उधर और पुलिस को बताने की कोशिश किया यहाँ आके, लेकिन तब यहाँ से भी हमको भगाया गया। फिर हम लोग हॉस्टल्स में जाके कुछ बहुत देर तक छुप गए और वही उसके बाद तो पूरा अंदर हॉस्टल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में इस वक्त क्या माहौल है? स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि ये वायलेंस यहाँ पे एटलीस्ट नहीं, अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी जामिया या एएमयू में ये एक हो चुका है तो कहीं ना कहीं मेंटली एक प्रिपेयर्ड भी थे कि शायद से हम अगली बारी हमारी है जो कि आया अभी। जेएनयू में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था? नहीं, पहली बार एक काला दिन जेएनयू के लिए। काला दिन, अभी इसको काला दिन बोलेंगे किस दिन को, रोज ही वायलेंस होता है तो काला दिन का मतलब शायद से अभी बहुत डाइल्यूट हो गया है तो, लेकिन हाँ ये कल का रात बहुत ज्यादा खौफनाक था। तो आपने सुना ना उस स्टूडेंट को जो कि ये कह रही कि जब से ये सब कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, जहां देश भर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, बड़े शहरों से आते हैं, वहां पर अगर इस तरह की तस्वीरें आए कि आप सीसीटीवी या फिर मोबाइल फुटेज से देख रहे हैं कि नकाबपोश कुछ 20 से 25 लोग अंदर घुसे चले जा रहे हैं और जैसे तोड़फोड़ की जाती, जैसे गुंडागर्दी की जाती है और उसके बाद जैसे दंगा किया जाता है, कुछ उस तरीके की तस्वीरें आई, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट तो ट्रॉमेटाइज होगा ही और कहीं ना कहीं पहचान करनी होगी उन तत्वों की जो जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेकर के जेएनयू तक कहीं ना कहीं उस राजनीतिक माहौल को उबालना चाहते हैं, भले वो सीएए के नाम पर हो, भले वो फी हाई के नाम पर हो, कहीं ना कहीं या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की आड़ में ही क्यों ना हो, क्योंकि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं
कैंपसेस को बदनाम करने की कोशिश है, कैंपसेस को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश है, तो उन राजनीतिक दलों की और उन राजनीतिक विचारधाराओं की पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। एबीपी कह रहा है कि लेफ्ट के कुछ लोग से जामिया से कुछ आए थे, हालांकि ये सिर्फ अभी बातें चल रही है। और कुल मिलाकर के उसके बाद कल हमने देखा गेटवे ऑफ इंडिया पर भी प्रदर्शन हुआ और भी बाकी यूनिवर्सिटीज में भी स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम हिंसा की कोई जगह नहीं है इन कैंपसेस में। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। अंकुर, इस वक्त बताइए कि वहां पर क्या तस्वीर है, क्या चल रहा है? देखिए, कल रात से यहाँ पे प्रदर्शन किस वक्त चल रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया की इस तस्वीर में इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। और अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी बॉम्बे है, इसके अलावा टिस है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, वहां के बच्चे यहाँ बताए जा रहे हैं। और कुछ बॉलीवुड से जुड़े हुए भी एक दो जो चेहरे हैं वो इस वक्त आपको भीड़ का हिस्सा देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल ये जो प्रदर्शन है वो गेट ऑफ इंडिया पे चल रहा है और उसके बाद उनको यहाँ से बताया जा रहा है। जो पुलिस है वो कह रही है यहाँ से इस वक्त जो पुलिस है जो उनको कहा जा रहा है कि उनको यहाँ से मूव भी करवाया जा सकता है आजाद मैदान के लिए। तो फिलहाल अभी जो लोग हैं मुट्ठी भर लोग हैं, तकरीबन 50-60 के से भी कम संख्या के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। रात में जरूर प्रदर्शनकारी की संख्या जो थी 100 को पार कर गई थी, 150 की पार थी के आसपास थी। ठीक है अंकुर, मैं वापस आऊंगा और कहीं ना कहीं हम साथ ही साथ ये भी अपील करते चले और साथ ही साथ बताते चले, एक तो वॉयलेंस की कोई जगह नहीं और दूसरा ये कि कम से कम एक बार चीजें ये होती हैं कि भले वो आपने कहा कि कुछ बॉलीवुड के लोग भी मौजूद हैं, कुछ चीजों को लेकर के कई बार प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, तो वो चीजें प्रोपेगेंडा शुरू होने के साथ साथ कुछ उस तरीके की हो जाती है। देखिए पुलिस की इस वक्त ये पीछे हम देख रहे हैं कि एक पीसीआर जो है वो अंदर जा रही है, ऐसे कई पीसीआर अंदर गई है, उससे पहले बाहर पुलिस की तैनाती है। मैंने आपको क्या कहा ना कि प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना है, प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जैसा सीए को लेकर के हुआ था कि वो नागरिकता देने का है बल्कि लेने का नहीं है, लेकिन उसको लेकर के काफी एक भ्रम हुआ, उसको लेकर के काफी एक एजेंडा चला दिया गया और उसके बाद वो हुआ क्या कि कई चीजें हिंसा में तब्दील होगी। कुछ उसी तरीके की कोशिश जो है यही कैंपसेस में भी होती रही है और इन चीजों से कम बचना चाहिए। एक एक करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए प्रॉपर आई कार्ड दिखाया जा रहा है यहाँ पर। एक बार मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।